राजीव गांधी सामान्य चिकित्सालय में विश्व मानसिक विकास एवं स्वास्थ्य दिवस मनाया गया, साथ में मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह भी मनाया गया। जीएमडीसी छात्राओं ने जागरूकता रैली निकाली। डिप्टी सीएमएचओ महेश बैरवा ने बताया कि मनुष्य को किसी भी तरीके का कोई टेंशन या पीड़ा नहीं लेनी चाहिए जिससे मानसिक तनाव में आना पड़े। किसी भी तरीके का गलत विचार नहीं लाना चाहिए, स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। पीड़ित व्यक्ति को अच्छी अच्छी बुकें पढ़नी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा फैमिली व दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहिए जिससे कि किसी भी तरीके का टेंशन व पीड़ा ना हो। इसी को देखते हुए जीएमडीसी छात्राओं ने रैली निकाली जिससे लोगों में जागरूकता हो। ये कार्यक्रम 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक चलेगा। इस कार्यक्रम में निबंध प्रतियोगिता और एएमटीसी एवं जीएमटीसी छात्राओं में प्रतियोगिता भी होगी। इसके अनुसार आमजन को जागरूक किया जाएगा। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जा रहा है, उसी के साथ साथ विश्व मानसिक स्वास्थ्य सप्ताह भी मनाया जाता है, जिसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो आमजन को जागरूक करना, जिससे कि वो स्ट्रेस से पीड़ित ना हो, ग्रसित ना हो, अपने आप को अपने जो चारों तरफ जो चाहे वो फैमिली है, चाहे फ्रेंड्स है, चाहे और कोई भी कलीग हैं, उनसे अपनी समस्याओं को शेयर करे, जिससे कि उसे जो फालतू के जो विचार हैं उसके दिमाग में ना आए और वो टेंशन से कहें या फिर स्ट्रेस से कहें किसी भी चीज़ से पीड़ित ना हो, उसी सब चीज़ों से आमजन को जागरूक करने के लिए आज हमारे जीएमटीसी के बच्चों के द्वारा जागरूकता रैली निकाली जा रही है। मैडम, कब से कब तक रहेगा काम? ये 4 अक्टूबर से 11 अक्टूबर तक रहेगा। क्या क्या कार्यक्रम होगा इसमें? बच्चों के द्वारा ही निबंध प्रतियोगिता और बच्चों के द्वारा इनके जो एएनएमटीसी जीएनएमटीसी कॉलेज में क्विज प्रतियोगिता, निबंध लेखन, ये सब करके इनके द्वारा आपस में ही और फिर इनके द्वारा आम जन को जागरूक करने के लिए ये सब किया जाएगा।